नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 11 Pro मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए यानी कि इसमें जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, एंड सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, तो सिंपली आपको फिंगरप्रिंट पर चले जाना है। इस पे जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख पा रहे हो न्यूमेरिक अल्फामेरिक पैटर्न तीन ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर किसी एक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड आपको लगा लेना है, जो भी पैटर्न आप लगाना चाहते हो उसको लगा लीजिए। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपका जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है उसको स्कैन करवाना है। दोस्तों जैसे आप डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन आएगा, तो डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ऐड फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन आ चुका है, तो आप इस पर क्लिक करके आप दूसरी फिंगर को भी ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग चुका है, तो इस तरीके से आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेटअप कर सकते हो।